आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ कहाँ यहाँ से करेंगे। फोर्थ हमने कर लिया था लास्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ शुरू करते हैं। इसमें बोला गया फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू द लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म। तो जो हमें दिए गए हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना है और उसको काट के छोटा भी करना है, सिंपल फॉर्म में कर लेके जाना है। फिर हमें बताना है, सेकंड बोला गया है कि हमें बताना है कि ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हमें कन्वर्ट भी करना है मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो तीन काम है, तो शुरू करते हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/4। तो 3 1/4 को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। 2/3 को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 2 ऊपर छोटा है। अगर ऊपर छोटा ना, 2 ऊपर है 3 से छोटा है तो 2 छोटा है। ऊपर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 12 प्लस 1 3 × 4 12 प्लस 1 13 13 ऊपर रहेगा बाय 4, ठीक है। अब जो करता है काट देंगे, 2 और 4 करता है, दोनों एक ही नंबर से करता है 2 से, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को काट के 1 कर देंगे। 2 2 1 2 और 2 2 4। अब 13 को 1 से मतलब ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, 13 3 2 6 ये आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, काट के तो छोटा कर दिया हमने, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम डिवाइड करके करेंगे, तो देखो कैसे होता है। डिवाइड करेंगे 13 को 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे रफली, आपको डिवाइड कर लेना है। 13 को 6 से डिवाइड, 6 2 12 1 आया रिमाइंडर, तो कोशेंट हो गया 2। तो पहले 2 लिख देंगे, रिमाइंडर आया 1 1 ऊपर 1/6 डिवाइजर, ऐसे ये आंसर आ गया। QRD फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, आंसर आ गया। इतना ही करना है, इस तरह से करना है। एक और करते हैं इसका, ठीक है। इसमें हम जैसे कि हम लेते हैं लास्ट, ले लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर एफ, एफ में 2 1/3 है मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 1/6 ये। तो पहले QRD फॉर्म में लिखे कन्वर्ट करेंगे, टू थ्री या 6 प्लस 1 7/3 हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 1/6 यानी कि 6 1 6 प्लस 1 7/6 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे काटना है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे 3 नीचे 3 है, 3 के दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया 1 1, ठीक है। तो अब ऊपर दोनों तरफ 7 है, ऊपर पर नहीं कटता है और नीचे 2 6 2 और 6 है तो कटेगा नहीं अब, ठीक है। तो 7 7 जा 49 2 6 जा 12 ये हुआ। अब इसे हम QRD फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं। अब कटना का कोई चांस नहीं है, डिवाइड ही करना है। 49 को 12 से डिवाइड करके हम आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर रफली, ये आपको रफली दिखाने की जरूरत नहीं है। 49 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप डिवाइड कर लेंगे अलग से, 49 को 12 से 12 4 जा 48, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 1, तो आपका आंसर लिख देंगे ऊपर। तो हाँ, पहले 4 आएगा कोसेंट बाय 1 ऊपर आएगा रिमाइंडर और बाय डिवाइजर 12 आएगा, नीचे आंसर आएगा 4 1/12। इस तरह में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 स्टूडेंट्स
stands in a row such that the distance between two successive students is always 1/4. Find the total distance between the first and the last student. तो पांच बच्चे खड़े हैं तो उनके बीच की जो दूरी है ना, पांच बच्चे के बीच की दूरी चार, आपको डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो पांच बच्चों में चार बार आपको डिस्टेंस नापना पड़ेगा। हर बच्चे के बीच में दूरी जो होती है ना वो चार बार ही आएगी, पहले से दूसरे बच्चे की दूरी कितनी है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा, तो यानी कि चार बार आपको डिस्टेंस नापना है। और ये चारों डिस्टेंस जो है 1/4 के बराबर है, यानी कि चार से इसको मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही करेंगे आपको, खाली चार से मल्टीप्लाई कर देना है, पाँच बच्चे से हैं तो पाँच से कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे पहला बच्चा ये है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1/4। इन दोनों के बीच की दूरी भी 1/4। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1/4। और इन दोनों के बीच की दूरी भी 1/4 है। तो इसको चार बार है ना, देख लो, तो इसलिए 1/4 को हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो वही हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो निकालते हैं, ये रफली हमने समझाया, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, इस डायग्राम नहीं लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है, समझाने के लिए सिर्फ है। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, इक्वल टू 1/4 का हम क्यू आर डी फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में करेंगे, 4 × 4 + 1 = 5/4 हो जाएगा, 5/4 × 4, ठीक है। अब 4 से 4 कट जाएगा बेटा, 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 1, ये 5 बन जाए 5 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से करना है। 7 करते हैं, वो द ओपनिंग बैट्समैन टुगेदर स्कोर 2/3 ऑफ द टोटल रन मेड बाय स्कोर बाय द टीम। तो ओपनिंग बैट्समैन जो है दोनों, उन्होंने 2/3 टोटल स्कोर का, 2/3 रन तो इन्होंने बना लिया थे दोनों मिलके। और इरफान जो है उसने स्कोर किया था 1/3 ऑफ व्हाट ओपनिंग बैट्समैन स्कोर टुगेदर। तो दोनों ने जो स्कोर किया उसका 1/3 इरफान ने बनाया अकेले। तो इरफान ने कितना बनाया हमें पता करना है। तो टोटल स्कोर दिया हुआ है 3/3/3। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, टोटल स्कोर ऑफ ओपनिंग बैट्समैन टुगेदर, टोटल स्कोर ओपनिंग बैट्समैन का टुगेदर कितना हुआ ये हम देखते हैं। तो 2/3 है, 2/3 ऑफ टोटल, टोटल स्कोर कितना है 3/3/3, इसे मंडी लगा देंगे, 3 से 3/3 कट जाएगा, ये आएगा 1/1/1। तो 1/1/1 को 2/2 से मंडी लगा देंगे तो आएगा 2/2/2, इतने रन बनाए दोनों ने मिलके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इरफान ने कितना रन बनाया, इरफान से इसको निकालते हैं, इरफान स्कोर हो जाएगा 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ओपनिंग बैट्समैन का दोनों का स्कोर, वो है 2/2/2 जितना उन्होंने रन बनाया था इससे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/2/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2/2 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा देखिए 74 रन बनाए, ये आंसर होगा। तो इरफान का स्कोर 74 रन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एट में रघु कंप्लीटेड 12/15 ऑफ मैथ्स होमवर्क इन 30 मिनट्स। तो 12/15 ऑफ द मैथ्स होमवर्क जो उसने 30 मिनट में कर लिया। सीमा कंप्लीट 3/4 ऑफ व्हाट रघु हैज
कंप्लीटेड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैथ होमवर्क डिड सीमा कंप्लीट इन 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स में सीमा ने कितना कंप्लीट किया वो करते हैं शुरू. तो बहुत ही साफ सुथरा दिया हुआ है, अब इसको करते हैं. पहले रखूगा लिख लेते हैं, रखूगा रघु रघुज होमवर्क इक्वल टू कितना है 12/50. ठीक है, अब निकालते हैं उसका उम्र सीमा सुमर. सीमा सुमर जो हो जाएगा आपका कितना है वो रघु का 3/4 ऑफ रघु सुमर. ठीक है ना, तो 3/4 ऑफ, 3/4 ऑफ रघु का उम्र कितना है 12/15. इतना होमवर्क उसने कर लिया. 12/15 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और इसको सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे 12/15 से. 3 और 15 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 और 12 कटेगा, दोनों 4 से डिवाइड होता है तो 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. ठीक है, तो आ गया 3/5 आंसर. 3/5, 3 ऊपर है 5 नीचे, ये लिख के छोड़ देंगे. 3/5 होमवर्क सीमा ने किया आंसर. ठीक है, इस तरह से करना है अब एक. ठीक है, आज के लिए इतना ही.